मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी नंबर वन बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने सांची ब्रांड को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को इंदौर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री मांगलिया स्थित सांची प्लांट में भी पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों से संवाद किया और डेयरी उद्योग के महत्व पर बात की। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को जल्द ही दुग्ध उत्पादन में भी नंबर वन बनाया जाएगा। इसके लिए किसान और दुग्ध संघ के साथ मिलकर दूध का उत्पादन बढ़ाने पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश के कुछ ही प्लांट मुनाफे में हैं, बाकी घाटे में चल रहे हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी को वीआरएस नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को संगठन से जोड़कर रखा जाएगा। उन्होंने मंच से यह भी आश्वासन दिया कि दूध खरीद में आ रही कठिनाइयों का जल्द समाधान होगा और दूध के प्रत्येक लीटर पर बोनस भी दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से आज यहाँ इंदौर दुग्ध संघ में आने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुग्ध संघ ने अपनी सहकारिता के माध्यम से एक बड़ी साख भी बनाई और अपना एक नया क्षेत्र डेवलप किया। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के सांची ब्रांड को और मजबूत बनाने के लिए जितना अभी दुग्ध संघ की क्षमता उसको डबल करने के लिए मदद भी करेगी। स्टेट गवर्नमेंट मदद करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी और हम सब मिला के सहकारिता के क्षेत्र भी बढ़ाएंगे और सभी प्रकार के उत्पाद को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में उत्पादन क्षमता दूध की डबल करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाते हुए दुग्ध संघ की आमदनी बढ़ाते हुए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है। मुझे इस बात का समाधान है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश यद्यपि भारत में तीसरे नंबर पर आता है, हमारा प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में ये नंबर वन की स्थिति में आए और किसानों को जो हम दूध खरीदने के बाद बोनस की योजना चालू करने वाले हैं, ऐसे में बड़े पैमाने पे दूध उत्पादन का क्षेत्र भी नया मिले। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अधिकारी कर्मचारी यहाँ के सहकारिता से जुड़े हुए सारे लोग उनके साथ संवाद के कार्यक्रम में ये बात बताने का प्रयास किया है कि हम दुग्ध संघ के किसी आदमी को कभी भी भार नहीं होने देंगे, किसी को वीआरएस नहीं लेने देंगे, सभी प्रकार की मदद करते हुए वर्तमान के इस दुग्ध व्यवसाय को और बढ़ाने का काम करेंगे। पुनः आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। बहरहाल मुख्यमंत्री ने सांची के ब्रांड को लेकर स्पष्ट किया कि सांची का ब्रांड सांची ही रहेगा। इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।